ये सवाल पूछा गया कि बरए मेहरबानी बाजमा नमाज में इमाम के साथ आमीन कहने से मुतल्लिक हदीस फ्राम कर ले। तो इमाम के साथ आमीन कहने के मुतल्लिक जो हदीस है वो आपको मिलेगी किताब सुनन इब्ने माजे में, हदीस नंबर 851 है। इसमें क्या है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, इसलिए कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो जब आप बाजवान नमाज पढ़ें, इमाम आमीन कहे तो आप भी उसके जवाब में उसके साथ ही आमीन कहें। एक और हदीस है, हदीस नंबर 854 है, जिसमें अली रजी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलद्दौलीन कहते हैं तो आमीन कहते हैं। तो ये अब एक और हदीस भी है, इससे हमें पता चलता है कि जब आप बाजमात नमाज पढ़ाते हैं तो वो भी वलद्दौलीन के बाद आमीन कहते हैं। और पहली हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमें भी चाहिए कि इमाम के साथ आमीन कहें। अगर आप अभी कोई सवाल हो तो आप इस नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं।